Assalamualaikum, welcome back to Ani's Gluten Free Kitchen. आज मैं आपके साथ बहुत different, बहुत मज़े की मटन कढ़ाई की रेसिपी शेयर कर रही हूँ. Let's start with the ingredients. सबसे पहले यहाँ पे ये जो योगर्ट हमने लिया एक कप, इसको एक बड़े बाउल में डालेंगे और इसके अंदर हम सारे स्पाइसेस ऐड करेंगे. सबसे पहले सॉल्ट डालेंगे, रेड चिली पाउडर, इसके अंदर हल्दी पाउडर और गरम मसाला. ये आप अपने टेस्ट के हिसाब से इनकी क्वांटिटी जो है वो कम ज़्यादा कर सकते हैं. अगर आप स्पाइसी ज़्यादा पसंद करते हैं तो आप ज़्यादा डाल लें. इसको अच्छी तरह से मिक्स करके, बीट करके हम एक साइड पे रख लेंगे और फिर हम मीट की कुकिंग स्टार्ट करेंगे. यहाँ पे हम एक कढ़ाई में ऑयल डालेंगे. ऑयल मैंने हाफ कप से थोड़ा कम लिया है. यहाँ पर मैंने गार्लिक लिया है और ये फ्रेशली चॉप्ड है, ये इसमें पेस्ट यूज़ नहीं होगा इस कढ़ाई में. ये डालेंगे और इसको हल्का सा फ्राई करेंगे. इसको बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, बस लाइट सा फ्राई करना है. और इसके बाद इसमें हम अदरक डालेंगे, वो भी चॉप्ड है फ्रेशली. हम किसी भी तरह की कोई भी पेस्ट इसमें यूज़ नहीं करेंगे, सब चीज़ें इसमें फ्रेश हैं. बस इसको लाइट सा फ्राई किया, अब इसके अंदर अदरक ऐड कर दिया. इसको ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, बस हल्का सा इसको हमने फ्राई किया. अब इसके अंदर हम मटन डालेंगे और मटन को हमने तेज़ आंच पे फ्राई करना है, फुल आंच पे. इसको अपने हल्की आंच पे बिल्कुल फ्राई नहीं करना वरना ये पानी छोड़ देगा अपना. तेज़ आंच पे करेंगे तो जल्दी से इसका कलर चेंज होना शुरू हो जाएगा. इसका कलर बिल्कुल चेंज हो गया. इसको हमने तेज़ आंच पे ही 2-3 मिनट तक फ्राई करना है और फिर इसके अंदर हम योगर्ट ऐड करेंगे. मटन हमारा अच्छी तरह से फ्राई हो गया है. इसके अंदर अब हम योगर्ट और उसके अंदर जो हमने स्पाइसेस ऐड किए थे वो शामिल करेंगे. और इसके अंदर हम 1 ग्लास पानी ऐड करेंगे. इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और उसके बाद जो हमने 3 टोमेटोज़ लिए थे उनको मैंने हाफ कट कर लिया 2 पीसेस में. इस तरह से इसके अंदर आप रख देंगे इसको और 3 मैंने ग्रीन चिलीज ली थी उनको भी मैंने 2 पीसेस में कट कर लिया लंबा, उनको भी बीच में रख देंगे और इसके बाद इसको हम ढक देंगे. 1-2 मिनट तक इसको हम तेज़ आंच पे पकाएंगे. उसके बाद हम आंच इसकी बिल्कुल लो पे कर देंगे, मीडियम टू लो में, और फिर इसी में ये आहिस्ता आहिस्ता गल के तैयार हो जाएगा. तकरीबन 45 मिनट हो गए हैं जब हमने इसको बिल्कुल लो आंच पे तब से रखा हुआ है, तो ये अच्छी तरह से अब गल गया ऑलमोस्ट. अब इस टाइम पे ये जो इसके अंदर हमने टोमेटोस रखे थे, ये देखिए इनकी जो छिलके हैं वो बिल्कुल अलहदा हो गए हैं. इस तरह से हम इनको पकड़ के तो बिल्कुल निकाल लेंगे. और अब चाहें तो ये जो टोमेटोज हैं इनको इसी के अंदर मैश कर लें, चाहें तो इनको अलहदा से कप में डाल के, तो मैं इनको हैंडी मिक्सर के साथ ग्राइंड करूँगी, तो उससे ये इनकी ग्रेवी बहुत अच्छी बनेगी. आपने जितने अच्छे ये इसको ग्राइंड करके डालेंगे उतनी अच्छी इसकी ग्रेवी बनेगी. ये देखें कितने ईजीली ये अलहदा हो रहे हैं. इनको हम निकाल लेंगे और इनको ग्राइंड कर लेंगे. इसको हम इसके अंदर ऐड कर देंगे. और इसको अब हम फ्राई कर लेंगे तेज आंच पे. ये अच्छा सा फ्राई हो गया. अब इसके अंदर हम थोड़े से अदरक और सब्ज़ मिर्च डालेंगे. ये टोटली आपका टेस्ट है. आपको थोड़ी सी ज़्यादा ग्रेवी रखनी है तो आप रख लें, इससे ज़्यादा ड्राई करना है तो ज़्यादा ड्राई कर लेंगे. दोनों तरह से बहुत अच्छी लगती है.
मेरे लिए ये बिल्कुल परफेक्ट है। मैं आपको अभी डिश आउट करके दिखाती हूँ। मटन कढ़ाई हमारी रेडी है। ये ट्रेडिशनल मटन कढ़ाई से हट के थोड़ा इसका डिफरेंट सा टेस्ट है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। और अगर आपको ये अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को ज़रूर लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।